भाजपा के अमरोहा लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर की चुनावी विजय संकल्प रैली को संबोधित करने आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब विपक्ष ने देश में गाली गैंग तैयार किया है, जिसका काम है प्रधानमंत्री को गाली देना। लेकिन अब इस गैंग ने देश की सेना को भी गाली देना शुरू कर दिया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि जनता अब कॉन्ट्रैक्ट प्रधानमंत्री नहीं, परफेक्ट प्रधानमंत्री चाहती है। वो समय आ गया है, 18 अप्रैल को वोटिंग है। आप लोगों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट भी है, दोबारा से देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बनाओ। मैं आज अपने मंत्री जी आए हैं, उनसे कुछ सुनना चाहेंगे, तो आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार नहीं, जनादेश की सरकार चाहता है ये देश। जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में भ्रष्टाचार और बेईमानों का जो बंटाधार किया गया है, देश की तरक्की और देश के गरीबों का जो उद्धार किया गया है, उसके लिए ये वोट है। और ये वोट जो है वो देश के सम्मान और स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के गारंटी के रूप में है। आज जो है वो एक बहुत ही डर्टी गाली गैंग, वो बहुत सक्रिय है। उत्तर प्रदेश से लेकर के और कश्मीर तक ये डर्टी गाली गैंग चुन चुन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा था। अब मोदी जी को गाली देते देते ये देश के सुरक्षा बलों और सेना के शौर्य और पराक्रम को गाली देने लगा और इस गाली देने की होड़ में है। तो मैं इतना ही हम कहेंगे कि लोगों को जितना वो चुन चुन करके हमारे सुरक्षा बलों को, देश के सुरक्षा को गाली दे रहे हैं, उतना ही चुन चुन करके लोगों को ऐसी ताकतों के मंसूबों को परास्त करना है, शिकस्त देना है। स्मृति ईरानी की सभा में जो है हंगामा हुआ है, काफ़ी बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ ऐसी हताश आत्माएं हैं, निराश आत्माएं हैं, जो चुनावों से पहले हार को समझ चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं। उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है, और जिस पार्टी का और जिन लोगों का पाप का घड़ा भर जाता है, वो इसी तरह से बहकित बहकते हैं, उसी तरह से बेतुके बात करते हैं। इसलिए ये जो बेहुदा और बेईमान पार्टियां और पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर करके अपने आत्मसंतुष्टि कर रहे हैं। लेकिन इस बात समझ लेना चाहिए, इन बेचैन आत्माएँ हैं, इनका बंटाधार देश की जनता करेगी। विपक्ष वालों ने एक ऑडियो जारी किया है नोटबंदी के ऊपर, वो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि पहले नोटबंदी पे बवाल, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, फिर जो है वो अभी आतंकवादियों के मारे जाने पर सबूत। तो ये सवाल, बवाल, सबूत, इसके पीछे की मकसद और मंशा बहुत है और एक है, बहुत साफ है कि बेईमानों और बेईमानों की मंडली को बचाओ, और जो बेईमानों का खात्मा कर रहा है उसके खिलाफ जो है वो बेहुदा बातें। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं बघेल, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है अंग्रेजों की, पहले आपके मुखबिर थी और अंग्रेजों को जो है वो लोग अंग्रेजों को मुखबिर करने का काम करते थे, बीजेपी के लोग। ऐसा है ना, ये जो बेहुदा बयान बहादुर हैं, इन पर हम हर दिन बयान दें तो क्या फ़ायदा? इन बेहुदा बयान बहादुरों का बंडाधार खुद ही जनता करेगी। कांग्रेस में जो ये 72,000 रुपये